HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में गुरुवार को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर निर्धारित 50 ओवरों में 375 रन बना लिए हैं। मनीष पांडे ने 42 गेंदों पर नाबाद 50 रन और धोनी ने इतनी ही बॉल्स पर नाबाद 49 रन बनाए। शिखर धवन के 4 रन पर आउट होने के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने पारी को संभाला। इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाए। दूसरे विकेट के लिए रोहित और विराट के बीच 219 रन की पार्टनरशिप हुई। टीम इंडिया का दूसरा विकेट कप्तान कोहली के रूप में गिरा, जिन्हें मलिंगा ने बाउंड्री पर मुनावीरा से कैच कराया। कोहली 131 रन बनाकर लसिथ मलिंगा के शिकार हुए। कप्तान ने अपनी इस धुआंधार पारी में 2 गगनचुंबी छक्के और 17 चौके जड़े। कोहली ने वनडे करियर की 29वीं सेंचुरी लगाई। उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 225 रन था। इसके थोड़ी देर बाद रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा किया। रोहित शर्मा 104 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने वनडे करियर की 13वीं सेंचुरी लगाई। भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी अपने करियर का 300वां वनडे मैच खेल रहे हैं। इस मौके पर कप्तान कोहली ने धोनी को मोमेंटो प्रस्तुत किया। इस मैच के जरिए शार्दुल ठाकुर वनडे प्रारूप में पदार्पण कर रहे हैं।